रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा वॉर प्लान। 2023 में शुरू होगा सबसे बड़ा सैन्य भर्ती अभियान। रूस के एक ही हमले से खत्म होगा यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन पर अपनी ताकत आजमाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन के लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कल का सूरज देख भी नहीं पाएंगे। वहीं अन्य देशों की मदद मिलने के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में मौतों का सिलसिला रोक नहीं पा रहे। वहीं अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को खत्म करने की रणनीतियां बना रहे हैं। रूस 2023 में शुरू करने जा रहा है सबसे बड़ा सैन्य भर्ती अभियान। ये साफ कर दिया गया है कि रूस ने 15 लाख सैनिकों की भर्ती करने का आदेश अब दे दिया है। रूस के फाइनल हमले की तैयारी, यूक्रेन पर अब कितनी पड़ेगी भारी। पूर्वी यूक्रेन पर रूस कर चुका है कब्जा। रूस ने 15 लाख सैनिकों को भर्ती करने का आदेश दिया है। रूस के इस फैसले से यूक्रेन में अब डर का माहौल बन चुका है। रूस के इस बड़े ऐलान से कई आशंकाएं अब लगाई जा रही हैं कि रूस यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमले करने जा रहा है। वहीं एक और खबर भी सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी देशों पर भी कब्जा कर लिया। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती अधिक संख्या में अब बढ़ा दी है। पुतिन यूक्रेन को तबाह करने का पूरा इरादा बना चुके हैं। खास बात यह है कि यूक्रेन को अन्य देशों से मदद मिलने के बाद भी रूस यूक्रेन के कब्जे में नहीं आ रहा, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बताया जाता है। यूक्रेन को मदद मिलने के बाद भी रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें पुतिन इस युद्ध को लेकर कई बड़े ऐलान करने वाले हैं। डिजिटल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।